बिहार सरकार की ओर से सोमवार को कास्ट सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। जातिगत जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस भारत का एक्सरे माना जाता है। जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर के सबसे बड़ा दाव चल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग की आबादी बिहार में 36.1% है, पिछड़े वर्ग की आबादी 27.12% है, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.6% और मुसहर की आबादी तकरीबन 30% आंकी गई है। इस रिपोर्ट का सियासी गलियारे के साथ आम लोगों को भी बेसब्री से इंतजार था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस रिपोर्ट को नीतीश सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बिहार सरकार की जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य की कुल आबादी 13 करोड़ से ज़्यादा यानी कि 13,07,25,310 है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना हो जाएगा तो जाति आधारित गणना में कौन किस जाति का है एक एक चीज की जानकारी होगी, चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म को मानने वाला सबको होगा। और उसके साथ साथ हम लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि सबकी आर्थिक स्थिति, इवन अपर कास्ट के हो या किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उनकी आर्थिक स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और मदद दी जाएगी, यही सोच करके उसके लिए अलग योजना बनेगी। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, नहीं तो सबके हित में काम कर रहे हैं।